कैंसर के पेशेंट्स हमसे डाइट के बारे में बहुत पूछते हैं और उनका मेन सवाल होता है कि कैसे डाइट ली जाए, स्पेशली जब वो कीमोथेरेपी पे हैं। तो इसका बहुत सिंपल और सरल शब्दों में मैं आपको कुछ बताऊंगा। मैं डॉक्टर सचिन गुप्ता, आई एम अ कैंसर स्पेशलिस्ट। सो जो कैंसर पेशेंट्स हैं उनको भी एक बहुत अच्छी न्यूट्रिशियस डाइट चाहिए। आमतौर पे ये पेशेंट्स भूख ना लगने की वजह से या मुंह में छाले या बिकॉज टेस्ट ठीक नहीं रहता या उल्टी जैसा मन है, इन कारणों से अच्छे से खा नहीं पाते हैं। तो एंटी वॉमिटिंग दवाइयाँ तो आजकल बहुत अच्छी हो गई हैं। सो वॉमिटिंग के साइड इफ़ेक्ट बहुत कम हो गए हैं हमारे पेशेंट्स को। बट जो भूख नहीं लगती है, जी नहीं करता है, उसको ओवरकम करना भी ज़रूरी है। तो उसके लिए भी कुछ एपिटाइज़र सिरप्स वगैरह अवेलेबल हैं जो कि हम अपने पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब करते हैं। बट जो डाइट है वो पेशेंट को ऐसी चुननी चाहिए जो कि आसानी से वो हजम कर सकें। तो इसलिए ज़रूरी है कि कुछ डाइट को मतलब सॉफ्ट और सॉलिड डाइट का कुछ मिश्रण रखा जाए। सॉफ्ट डाइट यानी जैसे खिचड़ी है जो दाल और चावल से बनती है या मिलेट से भी बन सकती है, और जो दाल का इस्तेमाल भी ज़्यादा करें ताकि अच्छे से प्रोटीन्स जो हैं वो मिलते रहें। सो ये चीज़ें जो हैं बॉडी में अच्छे से न्यूट्रिशन प्रदान करेंगी। इसके अलावा फल और सब्जियों का भरपूर जो है इस्तेमाल करना है। वेजिटेबल सूप्स का जो है इस्तेमाल ज़रूर करें अपनी डाइट में। जूसेस भी ले सकते हैं। फल, हर तरह का फल यूजली अलाउड होता है। बहुत भ्रांति है कि कच्ची चीज़ नहीं खानी है, पर ऐसा बिल्कुल भी कोई इम्पोर्टेंट नहीं है कि कच्ची चीज़ है उससे कोई इन्फेक्शन होगी। आमतौर पे जो फल सब्जियां हैं उससे कोई इन्फेक्शन नहीं होती है। रादर कोई बाहर जो ओपन पड़ी हुई चीज़ है, स्पेशली गर्मियों में, उससे इन्फेक्शन हो सकती है। अगर कोई ताज़ा चीज़ है उससे कोई इन्फेक्शन का रिस्क नहीं है। तो फल, सब्जियां, इवन जो सैलड्स हैं, फ्रूट्स हैं, वो बहुत अच्छी मात्रा में आप उसका सेवन कर सकते हो, उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। एंड एक मल्टीग्रेन जो आटा यूज़ कीजिए अपने, जो इंस्टेड ऑफ ओनली व्हीट, कोशिश करो उसमें ज्वार, बाजरा, रागी और जो बाकी मिलेट्स हैं और बेसन है या चने का आटा है, ये सब चीज़ें जो हैं आप उसमें मिक्स कर सकते हैं। ये आपको और अधिक न्यूट्रिशन देगा। एंड इसके अलावा रेड राइस हो गए और इवन जो मिलेट्स का जो है इस्तेमाल, जैसे बाजरे की खिचड़ी हो गई और रागी के आटे से भी बहुत रेसिपीज बन सकती हैं। उसकी मिल्क में, उसमें रागी की ड्रिंक भी बन सकती है। सो चाय कॉफ़ी की जगह आप जो है रागी की ड्रिंक ले सकते हैं। नारियल पानी, नींबू पानी, हल्दी का ज़्यादा इस्तेमाल, सारी तरह के जो ड्राई फ्रूट्स हैं, आलमंड्स हैं, वॉलनट, अखरोट और जो पम्पकिन सीड्स, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, ये सब चीज़ें भी हमारी इम्यूनिटी को बढ़ने में हेल्प करती हैं। हल्दी का इस्तेमाल बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसमें बहुत एक हीलिंग प्रॉपर्टीज़ हैं। सो अपने खाने में हल्दी का इस्तेमाल भी ज़रूर बढ़ाएं। इसके अलावा भरपूर मात्रा में पानी पीना बहुत ज़रूरी है ताकि बॉडी वेल हाइड्रेटेड रहे। तो ये इस तरफ भी आप ध्यान दें कि अपने आप को हाइड्रेशन जो है अच्छी रखनी है। सो घबराएं नहीं, अपनी न्यूट्रिशन की कुछ खुद जिम्मेवारी लें और ड्यूरिंग ट्रीटमेंट आपको इसमें जो है हेल्दी रहने में बहुत मदद मिलेगी। धन्यवाद।